हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें लीनियर अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, न्यूमेरिकल एंड वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सब पे और भी बहुत सारे टॉपिक है जिन पर मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आईटी पे जाके देख सकते हैं। सुन, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कैसे हम सॉल्व करते हैं। सुन, यहां पे हमारे पास लीनियर जो होती है वो एक्स में भी होती है और वाई में भी होती है। कैसे हम पहचानेंगे कि एक्स में लीनियर है या फिर वाई में लीनियर है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोस हैं ये थोड़े अपग्रेडेड वर्जन है। इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं तो वो मेरे पुराने वीडियोस वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहां पे आईटी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें ये 2.0 लाइक दैट इज अपग्रेडेड वर्जन, राइट। सो देखिए, इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होती है उसको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम पता कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक्स में लीनियर है या फिर वाई में लीनियर है। मान लीजिए अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाय dx है ना, यहां पे मान लीजिए ये दे रखा xy is equal to x cube, मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो यार यहां पे y एक बार आ रहा है, दो बार x की टर्म आ रही, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये y में लीनियर होगी, राइट। अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास ऐसा आ जाता है जैसे dy by dx is equal to plus xy plus x cube y cube, मान लीजिए ये आ गया, तो यार ये क्या हो गया, y भी दो बार आ गया और x भी दो बार आ गया, मतलब ये y में लीनियर तो नहीं है, राइट। मतलब इसको हम दूसरा करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर, राइट, विल डिस्कस इन लाइक माय अपकमिंग क्लास, है ना। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमें पता करना है कि लीनियर x में है या y में है तो आपको यहां से पता पड़ेगा कि अगर y एक बार आ रहा है और दो बार x की टर्म आ रही तो y में लीनियर होगा, राइट। अब यहां पे जो p और q होते हैं ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, राइट। हमें जब भी इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना था हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, राइट। इसका जो आंसर होता है वो होता है अगर y में लीनियर है तो y डॉट आई एफ, अगर x में लीनियर है तो x डॉट आई एफ, अगर t में लीनियर है तो t डॉट आई एफ, ऐसा होता है, राइट। एन इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट आई एफ डॉट डी एक्स प्लस का c, ये इसका हमारे पास मैथड होता है। एग्जाम्पल दूंगा दो जिससे आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आएगी। सो सुन, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो dy by dx उसका कोफिशिएंट 1 करेंगे। और पहली बात तो हमें ये पहचानना है कि यार ये x में लीनियर है या फिर y में लीनियर है। तो यार y एक बार आ रहा, बाकी हमारे पास x का फंक्शन आ रहा, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये y में लीनियर होगी। इसमें x प्लस 1 को डिवाइड करिए तो यार हमारे पास क्या आएगा, dy by dx, इसको हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर 3x। इस यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 डिवाइड होगा तो हमारे पास सिर्फ x प्लस 1 बचेगा। इस यहाँ पे जो p होगा हमारे पास वो होगा माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 एंड q होगा हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1, राइट, e की पावर 3x, क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स आता है ना। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर पी डी वाई कब आता है, अरे भैया ये x का है तो ऑब्वियसली x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा ना, y के रेस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता है, क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इसमें यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ई की पावर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। इसमें माइनस ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर लॉग, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि माइनस पावर में चला जाता है, ई से लॉग कैंसिल, तो यार ये हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स का इनवर्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें ये इसका क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, राइट। अब हम जानते हैं इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास वाई डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ डॉट क्यू डॉट डी एक्स प्लस का सी। इसमें ये मैथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह ये यूज में आने वाले हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम हायर ऑर्डर भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत यूज आएगा, राइट। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारे पास 1 प्लस एक्स है, इसमें क्यू हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर 3x 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस का सी, क्योंकि हमारे पास क्यू है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसमें 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है, ये आएगा वाई 1 प्लस वाई अपन 1 प्लस एक्स ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस का सी आएगा। इसमें 1 प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, राइट, है ना। तो यार जब 1 प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो यार इस तरह से इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट देख के कन्फ्यूज हो जाता है, सर कौन से मेथड से करें, अरे भैया वाई एक बार आ रहा है, मतलब ये वाई में लीनियर है और हमें इसको वाई में लीनियर करके सॉल्व करना, राइट। इसका मतलब यहाँ पे एक्स कॉस एक्स है उसको हम डिवाइड करेंगे, और जब भी y में लीनियर होगा तो dy by dx होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इसमें क्या करेंगे, dy by dx हम क्या करेंगे, इस x cos x को डिवाइड करेंगे, राइट। तो जब x cos x को डिवाइड करूंगा तो ये आएगा x sin x प्लस ये आएगा हमारे पास cos x डिवाइडेड बाय x cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन x cos x हो जाएगा, राइट। इसमें हम जानते हैं यार हमारे पास जो p की वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, दैट इज x sin x प्लस
cos x स्टूडेंट अपॉन x cos x, मैं क्या करता हूँ x cos x को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, है ना, ठीक है ना। और इसमें q है, q हमारे पास ये है, तो क्या करता हूँ इसमें cos ऊपर जाएगा तो मैं इसको लिख देता हूँ sec x और अपॉन x, इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा q हो जाएगा, अरे भाई cos ऊपर गया ना तो sec और ये हमारे पास q होता है, क्लियर है। इसमें यहाँ पे क्या होगा p को हम थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दे, सुन x x कैंसिल हो गया, ये आएगा हमारे पास tan x प्लस वन बाय एक्स, ये हमारे पास p हो जाएगा, क्लियर है। इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो ये आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा हमारे पास tan x प्लस log x into dx। इसमें इंटीग्रेशन tan का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है, ठीक है ना, एंड ये आएगा हमारे पास log x, इसमें log a प्लस log b हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें e की पावर log x sec x हो जाएगा, राइट। और e से log कैंसिल करेंगे तो इसमें यहाँ पर हमारे पास आएगा x sec x, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। इसमें ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि y में लीनियर है तो ये आएगा y डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट q डॉट डी एक्स प्लस का c। इसमें y हमारे पास आई एफ क्या है, इसमें x sec x है, इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास आई एफ x sec x एंड q, इसमें q हमारे पास यहाँ पे क्या है sec x अपॉन x इंटू डी एक्स प्लस का c। इसमें x x कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y x sec x, इसमें ये आएगा sec स्क्वायर x, है ना, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, इसमें tan x होता है, तो ये आएगा x sec x और ये आएगा हमारे पास tan x प्लस का c। इसमें इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो इसमें आप आराम से इस टाइप से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन x में लीनियर होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सुन जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन x में लीनियर है तो आपको पता कैसे पड़ेगा, तो यार यहाँ पे जो p और q होंगे ये फंक्शन ऑफ y होंगे और x एक ही बार आ रहा होगा, dx by dy फॉर्म में हमारे पास सेट हो रही होगी, तो इसमें इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy होता है ना, वहां पे p dx होता है बिकॉज p इज फंक्शन ऑफ x, है ना, अभी यहाँ पे p इज फंक्शन ऑफ y इसलिए ना, देन यहाँ पे x में लीनियर है तो x डॉट if q डॉट आई एफ डॉट डी वाई प्लस सी, ये हमारे पास क्या होगा इसका मेथड होता है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उससे आपको समझ आएगा, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगा, अभी ये स्टूडेंट देख के कन्फ्यूज हो जाता है, सर यार ये x में लीनियर है कि y में लीनियर है ना, और कौन सा मेथड, अरे भाई x एक बार आ रहा है, समझ में आ रहे हो, तो इसका मतलब ये x में लीनियर, अब x में लीनियर तो dx by dy चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे यार, ये 2y क्यूब है, अब हमें dx by dy चाहिए तो उसको उल्टा करके उधर लेके जाओ, तो यार ये हो जाएगा y dx by dy, ये समझने की जरूरत है, क्लियर है। अब हमारे पास ये आएगा y dx by dy, चूंकि हमारे पास फॉर्म क्या होती है समझने की जरूरत है, इसमें यहाँ पे dx by dy आ रहा है ना, तो यार यहाँ पे हमारे पास आता है px is equal to q, तो x की टर्म इसके साथ आएगी, मतलब ये जो x है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर हमें ये इसको उधर लें या इसको उधर लें, तो x को उधर लेके जाना, राइट, ये आएगा हमारे पास 2y क्यूब, क्लियर है ना। अब इसमें इस y से डिवाइड कर दीजिए आप, जब इसको y से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा यार माइनस का x बाय वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, राइट। हम जानते हैं यार हमारे पास जो p की वैल्यू होगी माइनस वन अपॉन y होगी और q की वैल्यू हमारे पास ये होगी 2y स्क्वायर, राइट। अब बात करेंगे सुनिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में, तो हम जानते हैं इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, सुनिए इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, राइट। तो यार ये हमारे पास p dy हो जाएगा, e की पावर माइनस हमारे पास c माइनस बार आ जाएगा वन अपॉन y डी वाई, इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास e की पावर माइनस log y, इसमें ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो log y इनवर्स, इसमें e से log कैंसिल करेंगे तो y इनवर्स आएगा, मतलब वन अपॉन y इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, राइट। इसमें हम जानते हैं यार ये x में लीनियर है तो हमारे पास आंसर आएगा x डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट q डॉट डी वाई आएगा, यहाँ सुनिए आप डी वाई आएगा, ध्यान देने की जरूरत है ना, क्योंकि x है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, राइट। तो यार x अपॉन वन अपॉन y इज इक्वल टू आई एफ, इसमें आई एफ हमारे पास वन अपॉन y है और हमारे पास जो q है वो 2y स्क्वायर, तो सुनिए आएगा हमारे पास 2y स्क्वायर डी वाई प्लस का c, सुन आप देख रहे हो y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास y, इसमें एक y से y कैंसिल हुआ तो ये 2y आएगा, है ना, इसमें यहाँ पे 2 बाहर ले लेते हैं, y डी वाई प्लस का c, इसमें ये आएगा हमारे पास x बाय वाई, इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, है ना, प्लस c हो जाएगा, इसमें y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y क्यूब प्लस सी वाई इज द आंसर। इसमें इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी को हम समझ सकते हैं, अब ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को देख, ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के भी बच्चा कन्फ्यूज होता है सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, भैया x एक बार आ रहा दो बार y का फंक्शन है, मतलब ये x में लीनियर है, राइट। अब x में लीनियर है यहाँ पे dy by dx दे रखा है, भैया आपको dx by dy लेके आना, राइट। तो आप क्या करो उसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ घुमा के, राइट, या dx by dy से इसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट। जब आप dx by dy से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये आएगा हमारे पास dx by dy प्लस x e की पावर माइनस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू जीरो, सुनिए आएगा हमारे पास वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाय डी वाई, है ना, प्लस x इज इक्वल टू e की पावर माइनस का
tan इनवर्स y हो जाएगा. सो 1 plus y स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए आप. जब 1 plus y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा x 1 plus y स्क्वायर is equal to e की पावर माइनस का tan इनवर्स y upon 1 plus y स्क्वायर होगा. सो हमारे पास p की वैल्यू आएगी 1 upon 1 plus y स्क्वायर एंड q की वैल्यू आएगी e की पावर माइनस का tan इनवर्स y upon 1 plus y स्क्वायर. सो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है यार, हम जानते हैं e आता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, बिकॉज़ हमारे पास यहां पे p भी y का फंक्शन है और ये x में लीनियर है. तो p dy, इससे पहले हमारे पास जब y में लीनियर था तो p dx है, ध्यान देने की जरूरत है. क्लियर है? इसमें आएगा हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू हमारे पास 1 plus y स्क्वायर है ना dy. इसमें इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स y है ना. इसमें हम जानते हैं चूंकि हमारे पास ये x में लीनियर है तो ये आएगा x dot if is equal to if dot q dot dy plus का c आएगा. इसमें x e की पावर ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स y is equal to integration of हमारे पास यहां पे क्या आएगा, इसमें e की पावर tan इनवर्स y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसमें q, q हमारे पास ये रह गया है ना, तो q हमारे पास ये रह गया इसमें e की पावर माइनस का tan इनवर्स y upon 1 plus y स्क्वायर dy प्लस का सी. सुन e की पावर प्लस tan इनवर्स y, e की पावर माइनस tan, तो इसमें आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास यहां पे x e की पावर tan इनवर्स y is equal to यहां पे आएगा 1 upon 1 plus y स्क्वायर dy प्लस का सी. इसमें आएगा x e की पावर tan इनवर्स y. सुन इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास tan इनवर्स y प्लस का सी. सुन इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो सुन आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. ये कांसेप्ट है x एंड y में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने का. आगे देखिए, इसमें आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है और ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है. आपको ये पता लगाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में लीनियर है, x में लीनियर है या y में लीनियर है, और अगर y में या x में जिसमें भी लीनियर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, प्लस इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है ये भी मुझे बताइए, और स्टूडेंट कैसा लग रहा है आपको मेरा कंटेंट जो कि मैं काफी चेंज करके लेके आया हूं और काफी नया है. सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. सुन मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट यहां से आप जा सकते हैं जो कि मैंने पहले डाल रखी थी, और सुन मेरी लेटेस्ट जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैं नए नए वीडियोस डाल रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन के, सुन या वो यहां पे जाके देख सकते हैं आप. और सुन मेरी जो शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस है जो कि नए चैनल पे डाल रहा हूं, काफी हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए. अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पे जाके देख सकते हैं. इसमें मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब यहां पे जाके कर सकते हैं और यहां पे जाके आप मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. इसका जो कमेंट, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. धन्यवाद.